हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल द कोचिंग पॉइंट में। इसी वीडियो बात करने वाले हैं 5.1 के क्वेश्चन। आइए गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई एड बटा एक्स, वाई स्क्वायर अनुपात जेड एक्स बटा वाई, जेड स्क्वायर अनुपात वाई एक्स बटा जेड। ओके गाइस, अनुपातों के विलोमानुपात का यौगिक अनुपात ज्ञात करें या निकालते हैं। इसका मतलब होता है मिश्र अनुपात, तो निकालेंगे मिश्र अनुपात। देख सकते हैं आप, निकालते हैं मिश्र अनुपात। देखिए देखिए, ये पहले उतारते हैं एक्स स्क्वायर का अनुपात वाई जेड बट्टा एक्स, ऐसे सोल्व करते हैं वाई स्क्वायर अनुपात जेड एक्स बटा वाई। अब देखिए, इसको उतारते हैं ऊपर से जेड स्क्वायर अनुपात वाई एक्स बटा जेड। गाइस देखिए, यहाँ पर एक्स होगा, गलती से जेड लिखा गया, तो एक्स लिख दीजिएगा, एक्स हो गया। मतलब इसका उल्टा करेंगे, देखिए जो ये जो मतलब आगे था ये पीछे हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ तो यहाँ लिखते हैं वाई जेड बटा एक्स अनुपात एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए, मतलब यहाँ उल्टा होगा, जेड एक्स बटा वाई अनुपात वाई स्क्वायर। देखिए हो गया। इसमें उल्टा मतलब यहाँ पर होगा वाई एक्स बटा जेड अनुपात जेड स्क्वायर। तीनों को निकालेंगे मिश्र अनुपात। आइए निकालते हैं तीनों को मिश्र अनुपात। देख सकते हैं आप, लिखते हैं यहाँ पर। देखिए पहले देखिए, यहाँ पहला का गुना करेंगे, पहला पहला और यहाँ का पहला गुना करके और आ जाएगा, फिर दूसरा दूसरा दूसरा। आइए निकालते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं वाई जेड बटा एक्स इंटू, इसको लिखेंगे जेड एक्स बटा वाई इंटू, देखिए इसको लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं वाई एक्स बटा जेड। गाइस हो गया, देखिए अब इसका देखिए, इससे गुना करेंगे तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ओके गाइस देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ गुना करके लिखेंगे। देखिए मतलब ये कि एक्स एक्स कट गया, देखिए वाई वाई कट गया और जेड जेड कट गया। मतलब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा देखिए वाई जेड एक्स। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए मतलब एक्स वाई जेड भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे करके हो जाएगा अनुपात। यहाँ पर वही होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ओके गाइस देखिए हो गया। देखिए इस सबको बटा लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ लिखते हैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। देखिए गाइस, ऊपर में एक्स है वाई है जेड, मतलब यहाँ पर दो भी है, मतलब एक सबको काट देंगे, मतलब एक एक्स गया वाई भी गया, एक काट के मतलब यहाँ वन आया, यहाँ पर एक्स वाई जेड आया। मतलब गाइस देखिए, मतलब आंसर वन अनुपात एक्स वाई जेड आ गया आंसर। गाइस देखिए हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं, आगे देखिए तीन का एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए मिश्र अनुपात ज्ञात करें, आइए निकालते हैं। आइए निकालते हैं मिश्र अनुपात। देखिए चार गुना पाँच और गुना नौ, गुना करें आ जाएगा मिश्र अनुपात। लिखते हैं चार गुना पाँच गुना नौ अनुपात दूसरा अंक, मतलब पाँच गुना सात गुना ग्यारह। ओके गाइस देखिए हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे इसे बटा में चार गुना पाँच गुना नौ बटा पाँच गुना सात गुना ग्यारह। देखिए गाइस हो गया, पाँच पाँच कट गया, गुना करने का आ जाएगा आंसर। मतलब नौ चौक होता है छत्तीस, यहाँ लिख दिए इतना हो गया। गाइस देखिए छत्तीस अनुपात 77 हो गया आंसर। गाइस देखिए क्वेश्चन, देखिए एक्स प्लस वाई अनुपात एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एवं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अनुपात एक्स फोर माइनस वाई फोर। गाइस देखिए पहले से गुना करें तो आ जाएगा मिश्र अनुपात। आइए निकालते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात तो एक्स प्लस वाई इंटू, इसको गुना करेंगे आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू करेंगे, यहाँ वह एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले गुना करेंगे पहला अंक का, गुना करेंगे सबका दूसरा का, मतलब एक्स माइनस वाई इंटू। देखिए यहाँ पर पहले लिखते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स फोर माइनस वाई फोर। गैस हो गया। देखिए अब इसको बटा करेंगे, देखिए बटा करते आइए
इसको बटा में लिखाएंगे, देखिए मतलब लिखते हैं बटा में लिखाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू देगा इस होगी, देखिए इंटू करेंगे, ये देखिए यहाँ दो है ना, तो यहाँ लिखते हैं दो को अलग अलग कर दे रहे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो बार लिख दी, दो बार था इसीलिए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर, नहीं गाइस स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस वाई दो है, मतलब एक्स प्लस वाई दो है, ये दो लिख दे रहे हैं, गाइस हो गया। देखिए यहाँ पर एक्स फोर वाई फोर, गाइस हो गया, देख सकते हैं आप, गाइस देखिए यहाँ पर, देखिए एक्स प्लस वाई ऊपर में, एक्स प्लस वाई नीचे में कट गया ये, और देखिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका होता है फॉर्मूला, तो इसी हिसाब से इसको बैठा देंगे, आइए बैठाते हैं। देखिए यहाँ लिख दे रहे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका हो गया, अब देखिए गाइस हो गया, देखिए यहाँ पर यहाँ वैसे उतार देंगे इसको, मतलब एक्स माइनस वाई, अब देखिए हो गया, बटन देखिए क्या है गाइस, देखिए यहाँ पर है एक्स माइनस वाई और यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बैठाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, गाइस हो गया, देखिए इसको लिखते थे एक्स फोर माइनस वाई फोर, देखिए गाइस वाई फोर लिख दिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ गलती कर दी, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके गाइस देखिए आप लोग ठीक कर दीजिएगा, तो यहाँ देखिए आप बटा करते हैं फिर से, यहाँ देखिए इंटू करेंगे, दो दूनी चार होता है, मतलब एक्स फोर माइनस इसका भी चार होगा, मतलब वाई फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ होगा इंटू एक्स फोर माइनस वाई फोर, ओके गाइस देखिए आप देखिए यहाँ पर काटेंगे, ये कट गया, देखिए एक्स फोर एक्स फोर, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, मतलब ये भी कट गया, काट दिए इसको, मतलब गाइस ऊपर में वन आया बट्टा वन, वन अनुपात वन आ गया आंसर, गाइस हो गया, देखिए आ गया आंसर, तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो की गाइस।